بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين। आखिरी मरतबा हमने जिस बाब के मुताले का आगाज़ किया था उसका उन्वान था बाब तहरीम ज़ुल्म वल अम्र बिरद्दिल मज़ालिम, ज़ुल्म की हुरमत का बयान और जो मज़ालिम किए हैं किसी के ऊपर उनकी तलाफ़ी करना, उसकी माफ़ी हासिल करना, उसका बयान। पिछली मरतबा हमने कुछ बातें अर्ज़ की थी ज़ुल्म की बाबत कि ज़ुल्म किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी अकसाम क्या है। तो ज़ुल्म और अदल जो है ये बहुत ही बुनियादी तसव्वुरात है। जब भी नेकियों का फ़ज़ाइल का शजरा बनाया जाएगा तो जैसे बहुत ऊंची दर्जे पर जो फजीलत आएगी वो अदल है, और जब गुनाहों के हवाले से कोई उसकी हायरार्की कायम की जाएगी तो हम उसमें देखेंगे कि जैसे सबसे ऊपर जो चीज़ आएगी वो ज़ुल्म है, वो ज़्यादती है। और हम ये देखते हैं कि इंसान के अंदर हमेशा से इस बात का एहसास रहा है, ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ये इंसान के अंदर इनग्रेंड है, ये इंसान लेकर पैदा होता है। हम देखते हैं कुरान मजीद में बयान हुआ है आदम के दो बेटों का किस्सा कि जब उन दोनों ने एक कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई और एक की कबूल नहीं हुई। तो जिसकी कबूल नहीं हुई, जिसको हमारे यहाँ बाइबल में जिसके लिए लफ्ज जो नाम आया है वो काबील है, तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो जो मज़लूम भाई था जो हाबील जिसका ज़िक्र आया है, उन्होंने कहा था कि लईन बसत्ता इलैय यदक लितक्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लिअक्तुलक, देखो अगर तुम अपना हाथ बढ़ाओगे मुझे कत्ल करने के लिए तो मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा तुम्हें मारने के लिए। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। और कहा कि मैं तो क्या चाहता हूँ, इन्नी उरीदु अन तबू अब इस्मी व इस्मिक, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम लौट जाओ अपना गुनाह लेकर भी और मेरी जो कोताहियाँ कमियाँ हैं, ये जो मज़लूमियत की मौत मुझे आएगी तो बहुत से मेरे गुनाह भी तुम्हारे सर हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और अपने दोनों के गुनाह लेकर अल्लाह के पास लौटो। और कहा कि फतकून अमिन अस्हाबिन नार, और ताकि तुम हो जाओ जहन्नुमियों में से। और फिर फरमाया वज़ालिका जज़ा उज़्ज़ालिमीन, और यही है बदला ज़ालिमों का। तो ये बात कि किसी पर ज़्यादती करना, किसी की जान लेने की कोशिश करना, ये ज़ुल्म है और ज़ुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है, और ज़ुल्म गुनाह का अमल है, और ज़ुल्म एक ऐसा अमल है जो इंसान को जहन्नुमियों में शामिल कर देगा। तो हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल इब्तदाई इंसानों के अंदर इस बात का तसव्वुर मौजूद है। फिर आप वैसे देख लीजिए इंसानों में भी, जब फ़लसफ़ियों ने अखलाक के बारे में सोचा, उसके बारे में गौर व फिक्र किया, तो हम देखते हैं कि अफलातून के यहाँ भी जो खैर आला है, जो सबसे बड़ा खैर है, वो अदल है। और अदल को उसने डिफ़ाइन किया है, उसने कहा है कि उसका बुनियादी वस्फ क्या है, हारमनी, चीज़ों के अंदर हम आहंगी हो। जिस तरह हम अरबी में हम पढ़ते हैं ना कि अदल का मतलब क्या है, कि चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। तो जाहिर बात है जब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होंगी तभी उनके दरमियान हारमनी होगी, तभी उनके अंदर दरमियान जो है वो तालमेल होगा। इसी तरीके से अरस्तू के यहाँ हम देखते हैं कि वो अदल को डिफ़ाइन करता है ख़ास हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से, कि तोल करना, चीज़ों को बिल्कुल सही बाट के साथ रखना। जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू मुहावरे में भी हम कहते हैं ना कि कांटे की तोल मामला करना। और ख़ुद अरबी ज़बान में कुरान मजीद में भी अदल का लफ्ज़ बराबरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुशरिकीन के बारे में कहा कि वह हम बिरब्बिहिम यादिलून, वो अल्लाह के साथ शरीक करते थे, अल्लाह के साथ दूसरी हस्तियों को शामिल करते थे। तो अदल का तसव्वुर हमेशा से रहा है और सबसे ऊंचे खैर के तौर पर रहा है। हमारे यहाँ इल्म हदीस में जब जरह तादील की बात होती है और ये बात कही जाती है कि भाई जो भी साहेब हदीस की चेन में आ गए और हदीस की तदवीन से पहले उनकी ज़बान से ये बात निकल गई कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो तहतल मजहर आ गए, वो जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे वो साहिब आ गए और फिर उन पर जरह तादील की गई, उनके किरदार को देखा गया, उनकी मामलात को देखा गया और पूरी तरह उनकी छान फटक की गई। लेकिन सहाबा किराम के बारे में एक जुमला कहा जाता है, हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। और हदीस के जो रावी हैं, हदीस के रावियों की एक बुनियादी शर्त क्या है क्वालिफाई करने की, वो है अदालत। और अदालत किन मानों में, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये अदालत वो वस्फ है जो इंसान को तकवा पर गामजन रखता। गोया ये एक गोया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अदल का, और उसके ऑपोजिट क्या है, उसके ऑपोजिट जुल्म है। खुद अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि कायमन बिल किस्त, अल्लाह ताला अदल व किस्त को कायम करने वाले। फिर फरमाया कि हमने किताबें क्यों नाजिल की, हमने रसूल क्यों भेजे, लकद अरसलना रसूलना बिलबीनात व अनजलना माहमुल किताब व मीज़ान लियकूबन नास बिल किस्त, हमने रसूल इसलिए भेजे और हमने मीज़ान इसलिए नाजिल की जो आए किताब के साथ और मीज़ान के साथ आए ताकि लोग अदलो किस्त पर कायम हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आपने फरमाया कि भाई व उमिरतु लिअदिला बैनकुम, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूँ। जब एक ख़ास मौके पर कुछ लोगों ने ज़बानी तान दराज की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे गुस्ताखाना अंदाज में कहा कि एदिल या मोहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और आपने फरमाया कि भाई अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो फिर कौन अदल करेगा। एक ख़ास मौका था जब खैबर फतह हुई और जो उनकी जदी ज़मीन थी उसमें खराज का मामला तय हुआ कि आदि याफ्त जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाई जाएगी। तो अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि भाई जाओ और जाकर खराज लेकर आओ। तो जब वो वहाँ पर गए हैं तो वहाँ उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की यहूद ने और कहा कि भाई ये हमारे बीवियों के जेवरात हैं, ये जेवर ले लो और गोया जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ज़रा हथौला रखो और ज़रा कम याफ्त ले जाओ और उसके बदले में हम तुम्हें ये सोना देते हैं। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या माशर यहूद, ए गरोह यहूद, वल्लाहि इन्नकुम लमिन अबगज़ी खल्किल्लाहि इलैया, इसमें कोई शुबा नहीं, अल्लाह गवाह है कि तुम मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की मबगूस तरीन मखलूक़ात में से हो, तुम अल्लाह के दुश्मन हो, खुद अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अल्लाह का गज़ब लेके लौटे हो, तो तुम मेरे नज़दीक मबगूस तरीन लोगों में से हो, नापसंदीदा तरीन लोगों में से हो। और फरमाया कि वमा ज़ालिका बिहामिली अन अहीफ़ा अलैकुम, ये बहुत अहम अल्फाज, लेकिन ये बात मुझे इस पर नहीं उभारेगी कि मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म और ज़्यादती करूँ। और फरमाया कि मा अरस्तुम मिन रिश्वती फ़इन्नहा सुहतुन व अन्ना ला नाकुलुहा, और जो तुम मेरे सामने पेश कर रहे हो ये रिश्वत है और ये हराम है मेरे लिए और मैं इसको कभी नहीं खाऊँगा। इस मौके पर यहूद ने जो लफ्ज़ जो जुमला कहा वो बहुत अहम, उन्होंने फरमाया कि जब ये सारा रवैया उन्होंने देखा तो यहूद ने कहा बिहाज़ा क़ामतिस समावात वल अर्द, कहा कि यही वो अदल है जिस पर आसमान और ज़मीन कायम, यही अदल है जिस पर आसमान ज़मीन कायम। आज भी हम कहते हैं ना कि अंधेर मची हुई है, जुल्म है, ज़्यादती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आदिल हैं, बहुत से लोग हैं, अक्सरियत ऐसी हो गई है जो अल्लाह की दुश्मनी इन्होंने मोल ले ली है, लेकिन बहुत से अल्लाह वाले मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर बाकी लोगों को भी रिस्क मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर आसमान और ज़मीन कायम है। तो यहूद ने कहा कि वाक़ियतन यही वो अदल है, यही वो बेलाग इंसाफ है कि जिसकी बुनियाद पर आसमान और ज़मीन कायम है। और फिर फरमाया एक और रिवायत में वह भी हाजा यग़लिबूनकुम, और इसी वस्फ की बुनियाद पर तुम हम पर गालिब आए हो। और एक और जगह कहा कि वह हाजा तुनसरून, इसी वजह से तुम्हारी मदद की जाती। आज हम रोते पीटते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज का जिक्र करते रहते हैं, फ़लाँ हमारे खिलाफ़, फ़लाँ हमारे खिलाफ़, हर आदमी हमारे खिलाफ़ साजिश कर रहा है, ये क्यों भूल जाते हैं कि हम खुद बेइंसाफ हो गए, हम ज़्यादती करते। तो यहूद को भी ये बात मालूम थी
कि ये जो मुसलमानों को जो गलबा हुआ है, ये जो बनी इस्माईल को हम पर गलबा हासिल हुआ है, ये इसी इंसाफ की वजह से हुआ है, और जंगों में जो अल्लाह की तरफ से इनकी नुसरत की जाती है वो भी इसी अदल की वजह से की जाती है। तो ये वो अदल है कि जिसकी अहमियत गैर मामूली है, और जिस तरह सूरह रहमान के शुरू में फरमाया ना कि वज़अल मीज़ान, अल्लाह ताला ने तराजू नसब कर दिया। ज़ाहिर बात है एक तराजू वो है जो इंसान के अंदर नसब किया है, वो जिसको नफ्स लवामा कहा गया है, एक छोटी सी तकड़ी गोया हमारे अंदर अल्लाह ने रख दी है कि जब हम कोई नेकी का काम करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हम खैर पर हैं, भलाई पर हैं, और जब हम किसी जुल्म का इर्तकाब करते हैं तो अंदर ही से कोई चीज़ हमें कचूका लगाती। और एक अदल, एक मीज़ान अल्लाह ताला ने इस कायनात में कायम किए, इस कायनात के अंदर एक बैलेंस है। इसीलिए फरमाया अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, देखो मीज़ान के अंदर कोई सरकशी न करो, ज़्यादती न करो। जो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा मीज़ान लगाया उसमें भी, और जो आफाक के अंदर इस कायनात के अंदर जो एक बैलेंस है उसको भी कायम रखो, फसाद बरपा न करो। तो ये वो अदल है जिसकी अहमियत गैर मामूली है, और इसके मुकाबले में जो रवैया है वो ज़ुल्म का है, वो ज़्यादती का। एक रिवायत आज पढ़ लेते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तकु ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुम यौमल क़ियामा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ज़ुल्म करने से बचो। फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुम यौमल क़ियामा, कि ये ज़ुल्म जो है क़्यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में ज़ाहिर होगा। यानी दुनिया में तुम जुल्म करोगे, ज़्यादती करोगे, तो आख़रत में तुम्हारे लिए नूर नहीं होगा, आख़रत में तुम्हारे लिए अंधेर होगा। वैसे भी आप देखते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे अंधेर क्लब इस्तेमाल होता है कि भाई फ़लाँ साहब ने तो अंधेर मचा रखी है, उसका मतलब भी क्या है कि वो हक़ व इंसाफ पर कायम नहीं है, वो अदल नहीं करते, वो जुल्म कर रहे हैं, वो ज़्यादती करते हैं। तो फरमाया कि देखो जुल्म न करो, क्योंकि दुनिया में तुम जुल्म करोगे, और ज़ाहिरी बात है आम तौर पे जुल्म कौन करता है, आम तौर पे जुल्म करता है वो जो मज़बूत होता है, वो जो ताकतवर होता है, और जिस पर ज़्यादती की जा रही होती है वो कमज़ोर माड़ा आदमी होता है, और इस बात का इम्कान दुनिया में कम होता है कि रेट्रीब्यूशन हो, दुनिया में जो है वो पकड़ धकड़ हो जाए और जो है वो बेइंसाफ़ी का जो है तलाफी हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो कहा कि देखो असल बात ये है कि असल कामयाबी और नाकामी का दिन तो क़्यामत का दिन है ना, ज़ालिक यौमुत तगाबुन, वो है हार और जीत का दिन, वो दिन है जो तय करेगा कौन टोटे और खसारे में रहा और कौन कामयाब रहा। तो यहाँ फरमा दिया कि जो लोग इस दुनिया में जुल्म करेंगे तो दुनिया में हो सकता है वो बच जाएँ, तरह तरह से रिश्वतें दे के अपने आप को बचा लें, लेकिन क़्यामत के दिन उनके पास नूर नहीं होगा। इस तरह अहले ईमान के बारे में फरमाया यसअ नूरुहुम बैन अईदीहिम व बिअईमानिहिम, कि अहले ईमान का नूर दौड़ रहा होगा उनके आगे भी और उनके दाएं तरफ। तो एक बात तो ये है कि जुल्म, ज़ुलुमातुम यौमल क़ियामा, जुल्म जो है क़्यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में आएगा, इन लोगों के पास कोई नूर नहीं होगा। और दूसरा, जुल्म कलम इस्तेमाल होता है शदायत के लिए भी, मुसीबतों तकलीफ़ों के लिए भी। क़ुरान मजीद ने कहा कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ए नबी इनसे पूछिए कौन है जो तुम्हें निजात दिलाता है बहरो बर की जुल्मतों में, यानी उसके शदायद में, उसके कर्ब में, उसकी तकलीफ़ों में। वो कहा कि क़्यामत के दिन जुल्म जो है अपने अंजाम कार के तौर पर तकलीफ़ों, परेशानियों, अकूबतों, सज़ाओं के तौर पर ज़ाहिर होगा। और फरमाया वत्तकु शुह, और देखो शुह से बचो। शो एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके कई तरह तर्जुमे किए जाते हैं, कहीं इसका तर्जुमा हिर्स होता है, कहीं इसका तर्जुमा बुखल होता है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि शो जो है वो बुखल से ज़्यादा जामे लफ्ज़ है, मतलब अल हिर्स माल बुखल, एक ऐसी हिर्स जिसमें बुखल भी शामिल। और ज़ाहिर बात है इंसान के जी में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रख दी है, फरमाया वह उहज़िरतिल अनफुसुश शुह, हमने इंसानों के नफूस में ये जो जी का लालच है ना ये रख दिया है, इंसान के अंदर ये मौजूद है। लेकिन असल बात क्या है कि इंसान इससे मغلوب ना हो जाए, वरना लालच तो मौजूद है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान को तख्लीक किया गया है थोड़ दिला। लेकिन असल नाकामी क्या है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया ना सलासुन मुंजियातुन व सलासुन मुहलिकातुन, तीन चीज़ें हलाक कर देने वाली हैं, तीन चीज़ें नजात देने वाली हैं। जो हलाक कर देने वाली उनमें से एक क्या है, शुहुन मुताउन,
एक ऐसा लालच जिसकी पैरवी की जाए। असल नाकामी क्या है? लालच हम सब के अंदर है, लेकिन असल नाकामी क्या है कि हम अपने नफ्स की बाग उस लालच के हाथ में दे दें और पूरी तरह लालच, बुख़ल और हिर्स के ताबे अपने आप को कर दें। तो फरमाया कि वत्तक़ुश्शुह, जी के लालच से, थुड़दिलेपन से, बुख़ल से, हिर्स से बचो। फ़इन्नश्शुह अहलक मन कान क़ब्लकुम, कि यही जी का लालच है जिसने हलाक किया उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, जो यहूद व नसारा थे, जो पिछली कौमें थीं, वो हलाक हो गई। और ज़ाहिर बात है, सबसे बड़ी हलाकत कौन सी है? सबसे बड़ी हलाकत आखरत की हलाकत है, आखरत की नाकामी है। इसको कुरान मजीद ने कहा ना कि ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, जो बड़ी और वाज़े जो खसारा है वो क्या है? वो तो आखरत का खसारा है। तो फरमाया कि ये जो लालच है, जो हिर्स है, इसने हलाक किया उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। हमलहुम आला अनसफ़कू दिमाअहुम वस्तहल्लू महारिमहुम, इस शुह ने, इस लालच ने उनको उभारा इस पर कि वो एक दूसरे के खून बहाएं और हुरमतों को पामाल करें। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम ठहराया है उनको हलाल करें। तो ये जी का लालच ही है जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे की गर्दनें काटता है और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम कर दी हैं उनको हलाल कर देता है। यानी ज़ाहिर बात है, जिनसी तौर पर इंसान जब आवारा हो जाता है तो ऐसे रिश्तों को पामाल करता है, उन ख्वातीन के साथ तमत्तो करने की कोशिश करता है जिनको अल्लाह ने हराम ठहराया। एक बहुत मशहूर रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़्यामत से पहले ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े बाहर निकाल के रख देगी, और वो क्या होंगी? जैसे बड़ी बड़ी काशें होंगी, सोने की, चांदी की, जवाहरात की। इस ज़मीन के अंदर जो अल्लाह ने जूल्स रखे हैं, जो सोना चांदी रखा है, वो गोया बाहर निकल के आ जाए और लोग उसको देखेंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे और यही कहेंगे कि भाई यही सोना चांदी है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने भाई की गर्दन काटूँ, यही सोना चांदी है जिसकी वजह से मैंने लोगों के हुकूक पर डाका डाला और लोगों की हुरमतें पामाल। तो यही जी का लालच है, यही हिर्स है, यही हसद है जो इंसान को खून बहाने पर और एक दूसरे की जो हुरमतें हैं उनको पामाल करने पर उभारता। तो दोबारा तर्जुमा सुन लें इस रिवायत का। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो कि बेशक जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में ज़ाहिर होगा, और लालच और हिर्स और बुख़ल से बचो कि बेशक शुह वो चीज़ है जिसने उन लोगों को हलाक किया जो तुमसे पहले थे। इस शुह ने उनको उभारा इस पर कि वो आपस में एक दूसरे के खून बहाएं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम ठहराया है उनको हलाल कर दें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।